हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम आलू के पराठे बनाएंगे। आलू को हम आटे में ही मैश कर लेंगे, नीट कर लेंगे, उसके बाद हम पराठे बनाएंगे इसके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आटे में हम मिलाएंगे थोड़ी सी अजवाइन और फिर हम थोड़ी सी मेथी डालेंगे इसमें, सूखी मेथी। और इसके बाद हम हरी मिर्च ले लेंगे। हरी मिर्च मैंने बारीक बारीक काट ली है और उसको भी मैंने आधा चम्मच बारीक काट कर ले लिया है, इसमें वो ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम हरा धनिया भी डालेंगे इसमें और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। उसके बाद कोरिएंडर पाउडर डालेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे और फिर हम नमक ले लेंगे। दो चम्मच मैंने डाला है, आप स्वाद के अनुसार डाल लेना। और फिर हम आटे में जो है आलू है उसको डालकर मैश कर लेंगे, नीट कर लेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वो अच्छा सा डो बना लेंगे। अब एक दो चम्मच के करीब हम इसमें ऑयल डालेंगे, फिर इसको मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम नीड करेंगे और डो तैयार कर लेंगे। अब इसे ढककर हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब 10 मिनट के बाद हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर हम फिर से मिक्स कर लेंगे। तो डो तैयार है, चलिए अब पराठा बनाते हैं। फ्लेम लो मीडियम रखनी है और दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाकर हम इसे सेक लेंगे। तो पराठे बहुत सॉफ्ट से तैयार हो गए हैं।
ये देखिए, और मैंने तो इसके साथ दही तैयार कर लिया है, उसमें छोटा छोटा प्याज काट कर डाल दिया है और हरी मिर्च डाल दी है। तो आप जैसा आपका टेस्ट हो वैसे खा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।